कुंभ राशि सावधान, दिल टूटकर चकनाचूर होगा। मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में आपका दिल टूटकर चकनाचूर होने वाला है। ऐसा हमने क्यों कहा, विस्तार से जानेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से आने वाले दिन बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपकी खुश मिजाजी आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। जल्दबाजी में फैसला ना लें, खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोलभाव करते वक्त। आपको खुश रखने के लिए आपके बच्चे जो कुछ बन पड़ेगा वह करेंगे। किसी के साथ छेड़खानी करने से बचेगा। आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनारा कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। ज्यादा खर्चे की वजह से जीवन साथी से खटपट हो सकती है। छुट्टी के दिन भी दफ्तर का काम करने से बुरा और क्या हो सकता है, परंतु परेशान ना हो, क्योंकि काम करके आप अपने अनुभव को और भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सामान्य राशिफल की बात करें तो घरेलू जरूरतों की पूर्ति होगी। आप अपने सभी कार्य समय पर पूरे कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में सुखद सरप्राइज मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने से आपको खुशी मिलेगी। धन से जुड़ी हुई चिंता दूर होगी। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। कार्य क्षमता के बल पर आपको आगे बढ़ने के कई सारे मौके मिल सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए सामान्य रूप से फलदायी दिन रहेगा। आप अपने कामों में नई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं और अच्छे नतीजे भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम में इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है, एक ही तकनीक को लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो भी आप सिस्टम जो कि बनाए हैं कि इस तरह ही काम करना चाहिए या फिर इस तरह के क्वालिटी को ही बरकरार रखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको डिमांड थोड़ी कम देखने को मिले अपने प्रोडक्ट में हो या फिर किसी भी काम में हो, तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत बदलाव लाना बेहद जरूरी है। आपके कामों में उतना ही मेहनत करने से ज्यादा लाभ भी हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें। आप बच्चों की उपचार करने की शक्ति महसूस करेंगे। वे आध्यात्मिक तौर पर धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर और भावनात्मक लोग हैं। उनके साथ आप खुद को ऊर्जा से लबरेज पाएंगे। आप उन योजनाओं में निवेश करने से पहले दो बार सोचिएगा जो आपके सामने आई हैं। बच्चे उम्मीदों पर खरे न उतरकर आपको निराश कर सकते हैं। सपनों को साकार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। प्रेम संबंध में गुलाम की तरह व्यवहार ना करेगा। अगर आप सोचते हैं कि यार दोस्तों के साथ आवश्यकता से अधिक वक्त बिताना आपके लिए सही है, तो आप गलत है। ऐसा करने से आपको आने वाले वक्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कुछ नहीं। पड़ोसियों का दखल शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप व आपके जीवन साथी के बीच का बंधन बहुत मजबूत है और इसे तोड़ना आसान नहीं है। समय को व्यर्थ गंवाने की बजाय किसी विदेशी भाषा को सीखना आपके वार्तालाप के तरीकों में वृद्धि कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि दिल टूटकर चकनाचूर होगा, ऐसा हमने क्यों कहा, विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अगर आप एक सिंगल व्यक्ति हैं, किसी के साथ आपका लव रिलेशनशिप अभी शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप किसी फंक्शन में या फिर किसी कार्यक्रम में जाकर वहां से किसी विपरीत लिंग से आकर्षित हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनसे प्यार कर बैठे या फिर वो भी आपसे प्यार करें। आप यही गलती कर पाएंगे और आने वाले दिनों में इससे आपको जो कि अपने जो भी जिसे आप चाहा है उनको जो भी आप बात करेंगे, उनसे अपनी मन की बात बताएंगे, उनकी तरफ से आपको ना सुनने को मिल सकता है, जिससे कि आपका दिल टूटकर चकनाचूर हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, उसका अगर हल
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारी तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा और आपके सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आपका धनराशि फल कैसा रहेगा उसके बारे में। आर्थिक मामलों की बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यह उन लोगों के लिए भी फायदेमंद रहेगा जो निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने खर्चों पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है और अपने बजट को संभाले रखने की भी आवश्यकता है। आप अपनी ऊपरी कमाई को अपने दोस्तों और परिवार के मनोरंजन पर खर्च करेंगे। आप बहुत दिनों से काम से फुर्सत निकालकर कहीं मौज मस्ती करना चाह रहे थे। अपने ग्रुप के साथ जाइएगा, उन पर कुछ पैसा खर्च कीजिएगा। खर्च हो रहे पैसों की फिक्र मत कीजिए, बस जाइए और दोस्तों के साथ आनंद लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। करियर के मामले में आपको अपने करियर में नए कदम उठाने की तैयारी करनी चाहिए। आप नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं या फिर नए क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है। विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। अपने परिणाम से उन्हें खुशी व आश्चर्य दोनों ही होंगे। जो लोग व्यवसाय में हैं वो पाएंगे कि उनके लंबे समय के कुछ लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। इसके लिए आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए क्योंकि इसे पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। लव राशिफल की बात करें तो आपको कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों और सहकर्मियों का पूरा योगदान प्राप्त होगा। आर्थिक परेशानी भी इस समय हावी हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी चरण है। अपने जीवन साथी से पत्र या फिर संदेश के माध्यम से अपने प्रेम का इजहार करना आपको कुछ सुनहरे क्षण प्रदान कर सकता है। आपके लिए खुशियों से भरा दिन है जहां आपके नए दोस्त बनेंगे और आपके प्रतिद्वंद्वी भी आपकी सहायता करेंगे। आपका स्वीटो और सब दोस्त आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार है। नए रिश्तों को लेकर आप उत्साहित हैं। आप अपने साथी की अपने प्रति भावनाओं को अच्छे से समझते हैं और उनका पूरा सम्मान भी करते हैं। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपको अपने परिवार के साथ व्यायाम करने के नए रास्ते खोजने होंगे। आप सभी को बाहर जाकर व्यायाम करने की जरूरत है और इसमें आपको मजा भी आएगा। एक साथ व्यायाम करने में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे आप लंबे समय तक कर सकते हैं। इस काम के लिए सब आपकी सराहना करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना ही तो लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं, इनका उपयोग भी करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करेगा। आप चाहे तो ट्रेंडिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं, कुंडली और इसमें मामूली सा बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।